परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि परिवहन निगम की बसों के साथ निजी बसें चलाने पर जल्द ही अधिसूचना जारी होगी। जरूरी दिशा निर्देशों के पालन के साथ प्रदेश में जल्द ही 100% सवारियों के साथ बसें चलाई जाएंगी, लेकिन बसों में खड़े होकर सफर पर पाबंदी रहेगी। किराया बढ़ाने का फिलहाल कोई नया प्लान नहीं है। टोकन पैसेंजर टैक्स और स्पेशल रोड टैक्स निजी बस ऑपरेटर के लिए सरकार पहले ही माफ कर चुकी है। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति बनी है उस सब में हमने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टैंडिंग ना हो तो उसमें बसें हमारी चलेंगी, वो हमने छूट प्रदान कर दी है। सर, बहुत जल्द हो जाएगी, एक आध दिन में हो जाएगी और उसमें जो है सभी लोग चलेंगे और उसमें हमने कहा स्टैंडिंग में कोई नहीं रहेगा। बाकी सब बातों का ध्यान रखते हुए और जो सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन करते हुए, सैनिटाइज करना, बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना, इन सारी बातों का ध्यान रखना और बसेज को सैनिटाइज करना, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए तो बाकी ऑपरेशन चलेगा। आपको ठीक रूप से उसके लिए तो जयराम ठाकुर जी की सरकार प्रारंभ से लेकर के ही चिंतित है और इसीलिए हिमाचल प्रदेश देश का एक पहला ऐसा राज्य रहा जिसने परिवहन के क्षेत्र को प्रारंभ में ही जो PGT है, टोकन टैक्स है, उस सब पर पहले ही छूट प्रदान कर दी थी और वो वेव ऑफ किया है। और उसके बाद ये कहा है कि जब भी गाड़ी की फिटनेस होती है तो उस समय भी गाड़ियों का खर्चा 15-20 हज़ार तक होता है, तो इसलिए उसके लिए भी अभी छूट प्रदान की है। और साथ में जो ग्रीन टैक्स उस समय जो यानी कि प्रारंभ में ले दिया जाता था 5%, उसमें भी छूट दी है, तो इसलिए विभिन्न तौर पर एक पूरा पैकेज दे करके जो उसमें हम संभावना तलाश की है हमने, जिससे हम उन सबकी मदद कर सकते हैं। देखिए, अभी तक इस विषय पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हम सारे के सारे इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं कि कैसे क्या होता है, लेकिन अभी तो फिलहाल ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है और हमने देखा कि जब कोई बहुत आवश्यक काम है तो लोग घर से बाहर तभी निकल रहे हैं, तो इसलिए इस सारी स्थिति पर हमारी नज़र है, देखेंगे कि व्यावहारिकता में क्या उचित है तो उस आधार पर फैसला करेंगे। निजी बस ऑपरेटर्स का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि व्यावहारिक समस्या वो भी समझते हैं और हमको भी मालूम है कि उनकी बहुत सी चीज़ें बहुत जेन्युइन हैं और हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर्स ने भरपूर प्रयास किया है गाड़ियों को चलाने का और HRTC भी अपनी गाड़ियाँ चला रही हैं, लेकिन अभी तक जो हमको लग रहा है कि अभी तक भी गाड़ियों में रश नहीं आ रहा है। और अभी जो मैंने पहले भी कहा कि अभी सावधानी सभी इतना बरत रहे हैं कि, और इसलिए कि अब इस सब को थोड़ा सा यानी लाइन पर आने में थोड़ा समय लगेगा और इसमें मैंने देखा कि जो परिवहन क्षेत्र के जितने भी वर्ग हैं सबके सब इन सारी व्यावहारिक दिक्कतों को समझते हुए बहुत पॉजिटिव हिसाब से ध्यान कर रहे और हमको भी उनकी पूरी चिंता है और हम भी ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से उनका नुकसान ना हो। और HRTC जो तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निर्वाह कर रही है, लेकिन अब उस सब में भी आखिरकार हमको देखना कि कितना तक तो हम संभाल सकते हैं। सरकार अब ग्रीन फीस और पासिंग फीस में अभी छूट देकर निजी बस ऑपरेटरों को राहत दे रही है, सरकार ने यह फैसला किया है। PR TV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।